नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आइए बुलेटिन में खबरों का सिलसिला विस्तार से शुरू करते हैं। राजधानी भोपाल के गांधीनगर में नगर निगम ने शासकीय जमीन पर बने बैरेज गार्डन पर कार्रवाई की है। जानकारी अनुसार हाईकोर्ट के स्टे के बाद भी जमीन पर गार्डन बनाया गया था। जब अतिक्रमण अमला मौके पर पहुंचा तो भारी हंगामा किया गया, जिसका अतिक्रमण हटाया तो गया। लोकायुक्त विभाग के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। उनसे फिर उन्हीं से बोलते हैं आप सेटिंग करो, सेटिंग करके फिर उनसे पैसे लेके उसको दबा देते हैं। आप तो मेरे से पहले 26 नोटिस दिए हैं, उनपे क्या कार्रवाई की है वो बताएं मेरे को। आपके पास पैसे उनको डिमांड लेके कौन आया था? ये मेरे पास मुकेश मालवीय भी आया था, ओम यादव भी, फिर तहसीलदार साहब का भी फोन आया था मेरे पास कि 20 लाख रुपए पहुंचा दो काम हो जाए। और अभी भी आपके सामने मीडिया जब खड़ी थी तो वो तहसीलदार साहब बोल रहे हैं आप टेबल में बैठ के बात नहीं करते हो, हमसे बात नहीं करते हो। आपके सामने मीडिया खड़ी थी उस टाइम, तो टेबल में बात बैठ के क्या बात कर, आप हमारा सहयोग नहीं करते हो। सहयोग का मतलब क्या सहयोग करें, बस पैसे चाहिए आपको 20 लाख रुपए। तो ये जान पूछ के टारगेट करके वो कर रहे हैं और इससे माहौल खराब हुआ। मैं तो बोल रहा हूँ मेरा अतिक्रमण है ना, तो पूरी गांधीनगर 136 137 पूरा सरकारी है, आप पूरा वहाँ से तोड़ना शुरू करो। मैं पहले अपना तोड़ता हूँ, मैं 50 साल से हूँ, मेरे पास पट्टा है, मेरे पास कोर्ट का स्टे है, उसके बाद भी ये अपनी दादागिरी दिखाते हैं। एक पर्सनल इशू है इन लोगों का, जो कि राजेश हिंगोरानी जी हैं उनका था ये, तो उनसे 20 लाख की डिमांड की गई। इसके पहले भी 19 नोटिस आ चुके हैं। ये एक इनका गिरोह है बघेल जी का, जो तहसीलदार साहब है। उसके पहले मैं जब अभी तो मैं जनप्रतिनिधि हूँ, उसके पहले मैं जब जनप्रतिनिधि नहीं था, आम नागरिक था, तब इनने मेयर से भी डिमांड की थी एक मीटर को बचाने के लिए, और वो बच गया मीटर। आज ये मान के चलिए 19 राजू मीणा जो है, राजू मीणा ने अतिक्रमण टूटा था आपको मालूम होगा कांग्रेस की सरकार में, क्योंकि अतिक्रमण था। मिली मिली भगत का मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। वैसे भी अतिक्रमण का क्या होता है, अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार MP LRC में तहसीलदार को प्राप्त है, और उन्होंने इस प्रकरण में नियमानुसार आदेश पारित किया है और इनको उसको चुनौती देने का भी पूरा अवसर दिया है। लगातार आरोप भी लग रहे हैं कि 15 से 20 लाख रुपए की डिमांड। देखिए, इन सब आरोपों के संबंध में बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से उपस्थित हूँ और मेरा ये प्रयास है कि अतिक्रमण टूट जाए और शांति व्यवस्था